बिजनेस चाहे जो भी हो, उसमें लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और बिजनेस की सफलता के लिए ज़रूरी है क्वालिफाइड एम्प्लॉई, जो आपकी कंपनी और बिजनेस से जुड़े रहें। इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर का काम होता है। वैसे हम अक्सर एचआर वर्ड के बारे में सुनते रहते हैं, सभी लोगों को एचआर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एचआर क्या है, एचआर मैनेजर कैसे वर्क करते हैं और एचआर मैनेजर क्या और किस तरह से प्रोसेस करते हैं, आज ये फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। अब बात करते हैं व्हाट इज एचआर। एचआर की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे हिंदी में मानव संसाधन कहा जाता है। इस कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर एक ऐसा विभाग है जो कर्मचारियों से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को संभालता है। कंपनी में नए लोगों को रिक्रूट करता है, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन देना और कंपनी में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी एचआर करते हैं। संक्षेप में कहें तो किसी भी कंपनी में एचआर की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि एम्प्लॉय को हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय को बेहतर करने के लिए मोटिवेट करना। अब हम जान लेते हैं एचआर का पर्पस क्या है। कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होता है तब उसमें काम कर रहे सभी एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज किया जा सके। एचआर का पर्पस बिजनेस में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करके उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कराना होता है। इसके लिए एचआर कंपनी में एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जिससे उन्हें फ्रेंडली कल्चर मिल सके, जिससे कंपनी में लंबे समय तक एम्प्लॉय जुड़े रहें। अब हम जान लेते हैं एचआर के वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। किसी भी कंपनी को डेवलप करने के लिए एचआर की भूमिका बेहद ही अहम होती है। एक एचआर के वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसे आप देखकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम जान लेते हैं एक एचआर के लिए क्या स्किल्स होना ज़रूरी होता है। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए डिग्री के अलावा व्यक्तिगत स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको सफल बनाने में हेल्प करता है। एचआर बनने के लिए आपके अंदर कुछ गुण का होना ज़रूरी होता है, तभी आप कर्मचारियों को अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एचआर के क्षेत्र में कर्मचारियों से बातचीत करना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ताकि कंपनी तरक्की करे। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अहम भूमिका निभाती है। एक एचआर का फ्रेश माइंड और हस्मिक होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप कर्मचारियों से अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। एचआर डिपार्टमेंट में ईमानदार होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी ईमानदारी की बदौलत कर्मचारियों का दिल जीतते हुए आप उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पर आ चुके हैं। आज आपने जाना एचआर क्या है और एचआर के क्या वर्क होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को और बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करना एचआर के ही वर्क हैं। आपने यह भी जाना एचआर का पर्पस क्या है, बिजनेस में एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करके उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कराना एचआर का ही वर्क होता है। आपने यह भी जाना किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए डिग्री के अलावा व्यक्तिगत स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको सफल बनाने में हेल्प करता है। और आपने यह भी जाना एक एचआर के लिए फ्रेश माइंड और हस्मुख होना बेहद ही ज़रूरी होता है, तभी आप कर्मचारियों से अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। ये कुछ एचआर के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको एचआर के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। जल्दी मिलता हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जय हिंद।